अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं एलईडी बल्ब के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक एलईडी बल्ब है। इस एलईडी बल्ब से आप अपने बिजली का बिल और घर के खर्चे वगैरह की बचत कर सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। ज़्यादा बिल जो आता है अक्सर हमारे घरों में, उनकी बचत कर सकते हैं हम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस एलईडी बल्ब का हमें क्या फ़ायदा है। पहली बात तो ये कि ये बहुत सस्ता, मुनासिब रेट में मिलता है। और दूसरा इसका ये है कि इसकी रोशनी दूसरे जो बल्ब जो होते हैं उनसे कई गुना बेहतर है। ये बल्ब आँखों के लिए भी बेस्ट रहता है। जो अक्सर बाज का जो हमारे दूसरे बल्ब जो होते थे जिनकी येलो लाइट होती थी, वो आँखों को भी दर्द करते थे। इस बल्ब से आँखों को पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसकी रोशनी भी वाइट होती है। ये देखें, अच्छा तो ये जो बल्ब है PRC एनर्जी इस कंपनी का नाम है जिसने इसको बनाया, PRC एनर्जी। ये 25 वाट का है, ठीक है, 6500 के AL6 बटा 18 PK बटा 770F, ठीक है। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये कि बाज़कात ये ख़राब हो जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं मगर ये ख़राब हो जाते हैं। जो पहले बल्ब होते थे वो ख़राब हो जाते थे, टूट जाते थे और वो ठीक नहीं होते थे। इसका हमें ये फ़ायदा है कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये दोबारा खुल कर रिपेयर हो जाता है, दोबारा से ठीक हो सकता है और ये फिर अपनी असल हालत में आ जाता है। कुछ पैसे लगते हैं, उस पैसों से ये ख़राब हुआ बल्ब, टूटा हुआ बल्ब फिर से नया बन जाता, अपनी असल हालत में आ जाता है। ये देखिए, एक मेरा ये बल्ब ख़राब हो चुका है, ठीक है, और अब मैं इसको रिपेयर करूँगा। और इसके ऊपर तकरीबन 40-50 रुपये मेरा खर्चा आएगा और ये फिर बल्ब नया हो जाएगा। ये बाज़ार से 250 का 200 का मिलता है। और उसका फ़ायदा है कि इसकी बिजली और हमारी जो पैसों की जो बचत है वो सेफ हो जाती है, पैसे भी सेफ होते हैं, बिल भी कम आते हैं और कमरे में अच्छी खासी ये रोशनी भी करता है। मैं सबसे आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई दूसरे बल्ब्स वगैरह लगे हैं तो उनको उतार कर आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। एलईडी बल्ब बहुत ही फ़ायदेमंद है, खर्चे के लिहाज से, बिजली के बिल के लिहाज से, हर लिहाज से ये बहुत
फ़ायदेमंद है हमारे लिए। आप गली में मोहल्ले में कहीं भी लगाएं तो LED बल्ब ही लगाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।